एमसीबी जिला मुख्यालय मनिंद्रगढ़ के गांधी चौक में अवैध कार्य के खिलाफ आज भाजपा युवा मोर्चा मुखर होते हुए हल्ला बोल पोल खोल का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शन के दौरान स्थानीय प्रशासन और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपाइयों ने अवैध कारोबार का पुतला दहन किया गया। वहीं एमसीबी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में इन दिनों बड़े स्तर पर फल फूल रहे अवैध कबाड़, कोयला और अन्य गतिविधियों के साथ ही अवैध कारोबार के बढ़ते हौसले के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तरीके से हमारे क्षेत्र में अवैध कार्य लगातार अवैध कार्यों में वृद्धि होती जा रही है। युवाओं के साथ में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, युवाओं को कहा जा रहा है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने युवाओं को अभी तक में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और यही सब अवैध कार्यों का जो कृत्य चल रहा है, उन्हीं अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने हल्ला बोल का कार्यक्रम आज आयोजित किया। आज अवैध कारोबार का हम लोगों ने यहाँ पर मनेंद्रगढ़ में पुतला दहन किया। अगर हम लोग की सुनवाई जल्दी नहीं होती है या हमारी जो भी मांगे हमने रखी हैं अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक विशाल आंदोलन के रूप के तरफ युवा मोर्चा अग्रसर रहेगा। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मनेंद्रगढ़ मंडल के द्वारा आज का ये हल्ला बोल का कार्यक्रम था। जिस तरह से मनेंद्रगढ़ में एक तरह से कबाड़ी का या कोयला चोर का जिस तरह से गुंडाई बढ़ गया है या जो एकदम आक्रोशित होकर लोगों को मार रहे हैं, एक हमारे युवा मोर्चा के साथी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, यहाँ तक कि थाने के बाहर मारा गया, उसके परिवारजनों को भी धक्का मुक्की लगाया गया। इस तरह का जो एक